परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का आज के इस संडे स्पेशल प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साहब जय जी। बस दो दिन पहले ही हमारी क्लास हुई थी और हमने जाना था कि अगर एक मिनट है तो हम क्या कर सकते हैं, पांच मिनट है तो हम क्या कर सकते हैं। एक एक मिनट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने क्या बताया, उठिए नो पमाइए। जागृत हो गए हो योगा के प्रति, अब प्रमाद मत करो। ये मत कहो कि मेरे काम है, मेहमान आ गए, मैं बाहर गाँव गई, ये हो गई, कहीं गई। अब कहीं भी जाते हो तो टॉयलेट तो जाते हो, खाना पीना तो खाते हो, सोते तो हो, तो फिर योगा क्यों अवॉइड करते हैं? जब तक योगा इतना अंदर नहीं उतरेगा, जैसे ब्रश किए बिना हम नहीं रह सकते, टॉयलेट किए बिना हम नहीं रह सकते, उतना ही योगा होना चाहिए कि मैं योगा किए बिना जी नहीं सकती। ये अपने दिमाग में फिट करना है सबसे पहले। तो परसों मैंने अभ्यासक्रम दिया था, बहुत सारे लोग तो नहीं आए, परंतु बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम दो व्यक्ति ने वीडियो बना के भेज दिया है सूर्य नमस्कार का। तो संगीता जी और मनोज दोनों ने भी वीडियो बना के भेजा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक बार उन दोनों के लिए ओम आरम करे सभी। सुचेता और मनोज के लिए सभी एक बार ओम आरम करे। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अब उनका वीडियो देख के मुझे पता चला कि जो स्टेप्स है वो थोड़े क्लियर नहीं है, एक दो जगह थोड़ी गड़बड़ है। तो अच्छा, इसी से हमें पता चलेगा कि आपने परफेक्शन कहाँ कम है, हम परफेक्ट कैसे करें। तो आज हम एक एक पोजीशन परफेक्ट देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम एक काम करेंगे कि नेक्स्ट का नेक्स्ट सोमवार जो होगा, आगे का सोमवार, मतलब अब नेक्स्ट टाइम तो हमारे शिखा जी जुड़ रही है, और उसके नेक्स्ट सोमवार चाहे तो हम केवल सूर्य नमस्कार ही लेंगे, एक एक कोच पे बात करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार इतना इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं करे तो कम से कम सूर्य नमस्कार तो करना ही है। कसम खा लो, संकल्प कर लो, अपने आप को भावित कर लो कि मैं सूर्य नमस्कार किए बिना नहीं रहूंगी। कम से कम एक करना है, एक करते करते 13 तक पहुंचना है, और सूर्य देवता के नाम भी लेने। देखो कितना त्रिवेणी संगम है, आसनों की पूरी चेन है इसमें, बहुत सारे आसन, मंत्र भी है और उसमें प्राणायाम भी है। तो इतने त्रिवेणी संगम पर उभारित ये सुंदर, अगर नहीं करेंगे तो गंगा में रह के भी हम सूखे रहेंगे। योग गीत से, अब योग गीत को एक एक वर्ड को ध्यान में सुनना है, और आप सबको ये योग गीत अपने सारे ग्रुप में भेजना है, फ्रेंड्स रिलेटिव और सबको जोड़ने के लिए कहना है। तो सबको जोड़ना भी आपका एक एमपी के और कल्याणम की तरफ से अपना फर्ज बनता है। के साथ हमें झूमना है, डांस भी करना है, तो गीत और डांस। तो आनंद भाई जी गीत शुरू कर दीजिए, हम सब तैयार रहे गीत के लिए। यस यस, स्टार्ट ही करिए। यस, वी आर द बेस्ट सिंगर्स, म्यूजिक के साथ। तो क्या देख रहा है ना, बोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी घर में, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपनी तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त हम अपना।
बनाए योगा सुबह को नहीं तो शाम को होगा शाम को नहीं तो सुबह को होगा योगा 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 आओ मेरे दोस्त तो हम बनाए योगा जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है मन की चंचलता का दमन यह करता रोगों का भी यह उपचार करता तू आओ अपना योगा 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 आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा सुबह को नहीं तो शाम खड़े हो जाइए आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा 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 आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा Yes. मजा आया सबको yes. Enjoyed? Yes. Yes. आज तो एक परिवार के साथ एक बच्चा भी जुड़ा है बहुत अच्छा लग रहा है आनंद भाई जी उनको हाईलाइट कर दीजिए क्लास में भी करता है अच्छा क्या बात है मैं किड क्लास में भी हूँ कितने फिफ्थ क्लास में वाओ वेरी गुड फिटनेस किड क्लास में हो किड्स क्लास में हो वेरी गुड चलो एक लिए उसके लिए तालियां करेंगे हम सब वाव 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 यस किड्स क्लास के साथ वो संडे होने के बावजूद भी अपने क्लास में भी जुड़ा है तो सुधा जी भंसाली सोनल पारेख बहुत अच्छे सुषमा जी सरला जी डिंपल जी एक बार ओपन कीजिए जी सुशीला जी चलिए बात करते हैं यस चलिए अब आप लोग बताएंगे स्टार्ट में चलो एक मिनट है हमारे पास क्योंकि मैं अमेरिका जाती हूँ और अमेरिका में क्लासेस लेती हूँ तो कई बार मुझे ऐसा पूछते हैं हमारे पास टाइम नहीं है सब बिजी है किसी के पास भी टाइम नहीं और इंडिया में भी अब वही है किसी के पास हाँ मोबाइल लेके व्हाट्सअप करने में फेसबुक में बहुत टाइम है हमारे पास परंतु योगा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है बाकी चैट करने के लिए फोन चालू हुआ तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पता भी नहीं चलता टाइम नहीं है इन सबको टाइम कहाँ से मिलता है तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई बात नहीं बिजी शेड्यूल में पहले हम एक मिनट के लिए क्या कर सकते वो देखेंगे ओंकार ठीक है ओंकार एक ओंकार कर सकते और क्या कर सकते हैं बोलिए ओंकार और भ्रामरी भी कर सकते हैं वेरी गुड उज्जैनी 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 करना है उज्जैनी करना है उज्जैनी कर सकते हैं जिसमें पूरी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है यस पर वो कौन सा प्रकार है वो नाम के साथ सूर्य नमस्कार ऊपर करके हाथ ऊपर करके और पांव से खींच के नहीं ये एक मिनट में ऐसा सेटिंग होना चाहिए सूर्य नमस्कार है
चलिए नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, वार्म अप हो सकता है। चलिए हम एक मिनट के लिए क्या क्या कर सकते, चलो सब रेडी हो जाइए। हम एक एक मिनट एक एक प्रयोग करेंगे, आप सबको ध्यान रखना है। और ये सारे प्रयोग पांच मिनट के, मैं पांच प्रयोग बताऊंगी आपको, ठीक है? एक मिनट में एक प्रयोग, एक मिनट पूरा होने के बाद, और घड़ी देख के एक मिनट, ज्यादा नहीं और कम नहीं। उस दिन हमने देखा परंतु टाइम टू टाइम नहीं किया था, तो आज देखेंगे एक एक मिनट में एक एक प्रयोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम करेंगे हमेशा की तरह, एक मिनट में ही हम कितने ओंकार कर सकते हैं देखेंगे, तीन या चार होते हैं। वैसे 15 सेकंड को एक ओंकार होता है, हाँ 15 सेकंड को एक, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले देने। अभी हम ओंकार करेंगे, एक मिनट के लिए करेंगे, किसी के तीन हो गए किसी के चार हो गए, तो अपने कितने होते देखना। और एक मिनट के लिए जब मैं स्टार्ट करूंगी हम सब साथ में करेंगे, राइट? तो चलिए सब रेडी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, और ओंकार स्टार्ट करेंगे। रेडी स्टार्ट। स्टॉप करें, देखिए मेरे ओंकार चार हो गए, तो किसी के चार हुए होंगे, किसी के तीन हुए होंगे, किसी के यस 15 सेकंड में एक परफेक्ट होता है। 5 सेकंड श्वास लेने के लिए और 10 सेकंड में 2 मिनट के लिए अ, 3 मिनट के लिए उ, और 5 मिनट के लिए म। 10 सेकंड में करना है ओंकार, 5 सेकंड श्वास लेने में, तो 1 मिनट में 4 ओंकार होते हैं। कितना फायदा होगा देखिए, एक अक्षर ब्रह्म है ये ब्रह्म में कितना सारा, इस ब्रह्म में है वो सब ओंकार में है। त्राण तनाव मिट जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, और ओंकार के अनेक 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 फायदे हैं। इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगी, मतलब एक मिनट में हम क्या कर सकते, 4 ओंकार कर सकते, राइट? अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ओंकार के बाद करेंगे हम प्रार्थना। तो हम दो अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करके देखेंगे, एक मिनट में कितनी प्रार्थना होती है देखना है। तो सबसे पहले हमारी फेवरेट प्रार्थना है ओम अरहम सुगुरु शरणम, वो करेंगे। अगर टाइम मिला रह गए एक मिनट के बाद तो अरहम करेंगे, बराबर? एक प्रार्थना और इसमें अरहम हो जाता है, एक बार अरहम। अरहम कैसे करना है वो सीखा है, ओम जय सही र का उच्चारण हृदय पे आएगा, ठीक है? तो हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक अरहम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद तुरंत हम दूसरी प्रार्थना करेंगे, ओम भूर्भुव स्वः और सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु। तो ये दो प्रार्थना, तो एक एक मिनट में, एक मिनट होने के बाद मैं स्टॉप करूंगी और आपको इन्फॉर्म करूंगी कि एक मिनट हो गया, ये प्रार्थना हो गई, हम दूसरा करेंगे। चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरी अपनी तैयारी करनी है। और जब मैं बराबर एक मिनट में 12 पे काटा आएगा, मैं बोल दूंगी आपको, सबको प्रार्थना के लिए तैयार होना है, और इस प्रार्थना से अपना कल्याण होता है, सब इंसान का कल्याण हो, मैं अपने आप को अरहम बनने की शक्ति प्राप्त करूं, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। तो प्रार्थना शुरू करे, ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्नहरतम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने बने अरहम। एक बार अरहम करेंगे, ओम हरम
स्टॉप एग्जैक्टली 45 सेकंड में प्रार्थना होती है और ये प्रार्थना आपको आनंद भाई जी ऑनलाइन भेज देंगे. ये करनी है, कंटस्ट करनी है. ये बात अच्छी है कि खुद को अपने आप नो समझना. ओम अरहम सुगुरु शरणम. अच्छा गुरु मिले, अच्छा गुरु मिलने के बाद करे क्या करना है, सारे हमारे जो मृत्यु के जो भय है और ये है मिटे मरणम, अपन मरण खत्म करना है और मोक्ष में पहुंचना है. तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओम अरहम सुगुरु. आनंद भाई अभी मत दिखाइए. ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम. गुरु शरणम सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, मिटे मरणम. फिर क्या हो जाएगा, सहज हो मन, मन सहज हो जाएगा. सहज हो मन जगे चेतन, मन सहज हो जाएगा फिर चेतन जग जाएंगे. और फिर क्या होगा, हम अपने दर्शन खुद करेंगे. ठीक है, ये प्रार्थना बहुत सुंदर है. रोज आपको सोते टाइम करनी है, उठते टाइम करनी है. एक मिनट में होती है बराबर, 45 सेकंड में प्रार्थना पूरी होती है. एक और हम करेंगे तो 15 सेकंड का एक आरम हो गया एक मिनट का. अब दूसरी भी प्रार्थना, केवल ये नहीं दूसरी भी करेंगे हम. वो ओम भूर्भुव स्वः, समय मिला तो असतो मा, नहीं तो सर्वे अपि सुखिना संतु. ये तीन प्रार्थना एक मिनट में होने चाहिए, नहीं हो तो दो करेंगे. मुझे लगता है दो ही होगी. तो चलिए, आंखें बंद, फिर तैयार, मन शांत, चेहरा शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के लिए, प्रार्थना के लिए तैयार. प्रार्थना में शक्ति देती है, तनाव से मुक्त करती है, भगवान से संवाद हो सकता है. तो ऐसी प्रार्थना करें कि सबको सबको फायदा हो. तो चलिए प्रार्थना के तैयार. अगर आप सुनेंगे तो भी चलेगा. ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय. सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखम् आप्नुयात्. ॐ वाओ, एग्जैक्टली एक मिनट में तीन. मैंने भी आज ही प्रयोग करके देखा, एक मिनट में तीन हो गए. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. ये सबको वेरी गुड, वेरी गुड. ये मजा आया प्रार्थना करने से, मन भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया. तो ये हो गया, पहला करेंगे हम ओंकार, राइट. दूसरा क्या करेंगे हम, प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना में दो प्रकार के, तीन मिनट हो गए. चलिए चौथा मिनट क्या करेंगे हम, देखिए हमारी क्लींजिंग बहुत, शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है और श्वास में अंदर जाते हुए गंदगी जाती है. तो हम क्या करेंगे, तीव्र श्वसन करेंगे एक मिनट में. कैसे करेंगे, एक नाक से 10 सेकंड करेंगे, दूसरे नाक से 10 सेकंड करेंगे, 20 सेकंड हो गए और 10 सेकंड दोनों नाक से करेंगे, 30 सेकंड हो गए. और फिर 30 सेकंड हम केवल दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे. लंबी श्वास लेनी है, 4 अंक में लेनी है और 8 अंक में छोड़नी है. ठीक है, तो सभी तैयार रहिए. जे मैं टाइम देते जाऊंगी, जैसे आप मेरे को भी देख सकते हो. आनंद भाई जी एक बार मेरे को हाईलाइट कर दीजिए प्लीज. हाँ, अभी आप प्रणव मुद्रा कीजिए दो अंगूठे के बाजू और राइट हैंड नाक बंद कर दीजिए. आपकी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन अलका जी. हाँ आनंद भाई जी प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए. आनंद भाई जी, आनंद भाई जी नहीं दिख रहे हो अलका जी, आप दिख रहे हो अलका जी, पर आप आड़े हो गए हो. आड़े हो गए, कौन सा आड़ा रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी है. ओके, अभी आ गए बराबर. यस यस, एकदम परफेक्ट. चलिए देखिए, अब प्रणव मुद्रा कीजिए और नाक, राइट नाक
धरेंगे और शुरू करेंगे। तो अभी मैं जब बोलूंगी ना तब शुरू करना है, तब 10 सेकंड में हाथ चेंज करना है, तो मैं बोल दूंगी चेंज करें। अभी लेफ्ट साइड से तीव्र श्वसन करें, चेंज दूसरे साइड से, दोनों साइड से, चार। अब दीर्घ श्वास करना है, आंखें कोमलता से बंद, केवल श्वास को देखे, लंबी श्वास भरे, एक दो तीन चार छोड़े, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, श्वास भरे, एक दो तीन चार छोड़े, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक बार श्वास भरे, एक दो तीन चार छोड़े, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। यस, पूरा हो गया, वेरी गुड, वाओ। एक मिनट में देखिए कितना अच्छा श्वसन का प्रयोग हो गया। एक मिनट में हम कुछ भी कर सकते हैं, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर को बार बार याद करो और रखो कि उठिए नो पमाइए, उठ गए हो, जागृत हो गए, एक क्षण भर भी प्रमाद मत करो। एक एक मिनट में कुछ ना कुछ करते रहिए। फोन कम कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को भावित कीजिए। चार हो गए, चार बातें बताई मैंने, चार मिनट हो गए। पहला मिनट में क्या किया हमने, सबसे पहला मिनट में ओंकार किया, राइट। दूसरे ओंकार किया, दूसरे में हमने प्रार्थना की, दूसरी प्रार्थना की, दो प्रार्थना अलग अलग पकड़ो, चौथा क्या किया हमने, अब पांचवा करना है ध्यान, पांचवा एक मिनट में ध्यान करना है। चलिए आप सब तैयार रहिए, एक के लिए ध्यान कैसे करते देखना है। तो सबको पहले सूचना देके ध्यान शुरू करूंगी, तब के बाद एक मिनट, हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव श्वेत हो जाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो गया, प्रतिमा की भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, और बस अपने श्वास को देखते रहिए, देखते रहियो, और अपने आप को भावित कीजिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन शांति के लिए, विचारों को कम करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। हो गया, एक मिनट हो गया, यस, कितना सुंदर हो गया एक मिनट में। देखिए एक मिनट में इतना सुंदर होता है। तो इसी प्रकार अगर हम पांच मिनट ध्यान करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने आपको एक एक मिनट में क्या करना है, एक मिनट भी मिला मेरी बात देखे, राइट। अब पांच पांच मिनट के मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी, बराबर 9:45 तक होगा। देखिए हमने 9 बजे शुरुआत की है, मैंने शुरुआती की सोचा ही था कि 9 से 9:15 तक जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी, 9:15 से 9:30 तक एक एक मिनट का बताऊंगी, और 9:30 से 9:45 तक पांच पांच मिनट का। तो चलिए पांच पांच मिनट के लिए तैयार है, पांच मिनट के लिए। ये तो आपको अभी पता है, ओंकार वगैरह मैं नहीं करवाऊंगी, प्रार्थना मैं नहीं करवाऊंगी। तो पांच मिनट में सबसे पहले हमें पूरक व्यायाम करनी है, पूरक व्यायाम मतलब यौगिक क्रियाएं करनी है, पांच मिनट वार्म अप करना है। तो ये पांच मिनट करो, कुछ भी टाइम नहीं मिला, बेड में देखो लोग बोलते जगह नहीं है, अरे बेड में सोते तो हो ना, सोने के लिए जगह होती कि नहीं, हर जगह किसी के भी घर जाओ सोने के लिए जगह देते कि नहीं लोग, कि सोने के लिए जगह नहीं होती है। तो उसी जगह पे खड़े हो जाइए और उसी जगह कर लीजिए, पांच मिनट उठते ही पांच मिनट कर लीजिए, पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये ना सुपर पावर है, देखिए मोबाइल को चार्ज करना आप नहीं भूलते, चलेगा क्या दिन भर याद कर अगर मोबाइल चार्ज है कि नहीं, तो अपने आप को भी चार्ज कीजिए। चलिए चार्ज करने के लिए उठिए, सब हम पांच मिनट के लिए क्या करेंगे, सबको उठना है, खड़ा होना है,
और सबका क्रियाएं करेंगे। पांच मिनट में हम क्या करेंगे, अपर बॉडी, मिडल बॉडी और लोअर बॉडी, तीन के प्रकार करेंगे, एक एक मिनट सबके प्रयोग करते जाएंगे। पांच मिनट में होल बॉडी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मंजू जी और उनके साथ, उनका कौन है मंजू जी, आपके साथ आपका बेटा है या कौन है, और मंजू जी की माँ है या कौन है मुझे पता नहीं, मंजू जी बताइए, बहू है, बाप, वाह देखो सात बहू और पोता, क्या बात है, एमपी के खुश हो गए, तीन पीढ़ी कल्याणम में, देखो तीन पीढ़ी कल्याणम में जुड़ी है, तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आप भी कोशिश करें अपने परिवार को जोड़े, समझाइए, तो सभी को रेडी होना और घड़ी में देख के पांच मिनट करना है, ठीक है, मैं भी सेटिंग करती हूँ, आप भी सेटिंग कीजिए, चलिए पांच मिनट के लिए सभी रेडी हो जाइए। पांच मिनट हम क्या करेंगे, योगी क्रियाएं करेंगे, पांच मिनट के लिए हम योगी क्रियाएं करेंगे, यस रेडी, मैं घड़ी लगा के करती हूँ, मैंने आज इसके लिए स्पेशली छोटी घड़ी मेरे पास रखी है, तो हाँ पांच मिनट के लिए तैयार, चलिए मैं घड़ी देख रही हूँ इसीलिए, चलिए सीधे खड़े हो जाएंगे, एक सबको सीधे खड़े होना जाना है, पहले समावस्था में, यानी क्या समावस्था मतलब दोनों हाथ बाजू में रहेंगे, वो सुचिता जी की भी साथ शायद पोती खड़ी हो गई है, सुचिता जी वेरी गुड, सुचिता जी भी बहुत अच्छा, उनको भी हम सॉलिड करते हैं, वो अपने पोती को भी बराबर जोड़ती रहती है, तो सुचिता जी की पोती भी बहुत अच्छे जवाब देती है और बहुत कुछ बताती है, तो स्वागत है उसका भी, तो इस तरह परिवार को जोड़ने वाले के लिए धन्यवाद, दादी के संस्कार, दादी के संस्कार, यस, तो आप भी अपने बेटे पे कीजिए, रेडी हो जाइए, चलिए ये सीधा खड़े हो जाइए, इसको समपाद आसन कहते हैं, ये समपाद आसन करने के बाद सबसे पहले शुरू करते हैं पांच मिनट के लिए, तो शुरू कर देते हैं, चलिए पहला मिनट हाथ ऊपर कीजिए और हाथ को एड़ी टपकते हुए घुमाइए, दबाइए जोर जोर से, पूरे बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, हाथ को ऊपर नीचे कीजिए और फिर तुरंत हाथ को आगे पीछे कर दीजिए, फटाफट स्पीडी करना है ये थोड़ा सा, फिर हाथ का चक्र कीजिए, एक दो तीन, उल्टे साइड से एक दो तीन, दूसरे हाथ से एक दो तीन, दूसरे साइड से एक दो तीन, दोनों हाथ एक दो तीन, देखो पूरा ऊपर का हो गया, अब हप कंधे के लिए एक दो, साइड से हाथ कीजिए तीन, मैं दिख रही हूँ आपको, यस यस, तो हाथ कर दीजिए पूरे अपने कोहनी के लिए, हाथ कर दीजिए, अब आप दोनों हाथ कंधे पे रखिए और चक्र कीजिए, ये हमारे कंधे के लिए, कोहनी के लिए, सबके लिए हो गया, वाह ये दो देखिए, और हाथ को पीछे कर दीजिए, पीछे करके तनाव दीजिए, तनाव दीजिए हमारे फेफड़ों को ज्यादा, ये हो गए दो मिनट बराबर, सॉरी एक मिनट हो गया, एक मिनट में हमारा ऊपर का हो गया, तो चलिए हाथ दूसरा कर लीजिए कमर के लिए, ये हमारे पेट के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, और थोड़ा जाके रुक जाइए और ज्यादा से ज्यादा पीछे देखिए, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखिए, करना भी है और रुकना भी है, और फिर दोनों हाथ स्ट्रेट, घुटने नहीं मुड़ने सुचिता जी, घुटने जगह पे, अब आप मोड़ना है सीधा होना है, मोड़ना है सीधा होना है, कमर से झुके, कमर से झुके, झुके झुके कीजिए, चलो फटाफट फटाफट दो तीन बार कीजिए दोनों साइड से, कुछ सेकंड के लिए खड़े रहिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं आनंद भाई जी, सबको हाईलाइट कीजिए, और हमारे कौन से भैया बैठे, गुजर भैया, हरीश भैया, बैठना नहीं है, नॉट अलाउड सिटिंग, नॉट अलाउड सिटिंग, नॉट अलाउड, जो भी करना है जैसा भी करना है करना तो पड़ेगा ही, तो सबको करना है, चलिए पैर को चलो चला डांस कर दीजिए, दोनों पैर हो सके तो दोनों पैर को साइड में आगे पीछे, अरे पैर को अगर बैठ के रहोगे तो कैसे होगा, मोटापा बढ़ेगा, बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, सारे सारे चारों तरफ घूम रहे हैं आपको, वेट ही कर रहे हैं, अगर हम आसन करते तो वो भाग जाते हैं, पैर ऐसे करेंगे तो वो भाग जाएंगे, सारे बीमारियां बहुत, अरे अरे यहाँ तो काम नहीं है मेरा, करेंगे और बीमारियां भाग जाएगी, चारों तरफ से कीजिए, पैर साइड में, बैक में, आगे पीछे, ये पैर के हो गए, और लास्ट पांच मिनट हो गए कि नहीं, मैंने घड़ी नहीं देखी, चलिए कमर के लिए कीजिए, कमर को घुमाइए, कमर को कम कीजिए, फिर अपने हाथ कमर पे रखिए, झटके दीजिए साइड में, झटके दीजिए आगे, झटका पीछे, झटका पीछे जाइए, पीछे पीछे, बैक बैक बैक, बहुत अच्छा, आगे आगे आगे, जितना झुक सके, साइड साइड साइड,
लेफ्ट राइट और चक्र कीजिए पूरा एक चक्र। वाओ बहुत अच्छा। लास्ट एक करेंगे, ये हो गया हमारा अपर बॉडी लोअर बॉडी, अब मिडल बॉडी, अब लोअर बॉडी के लिए तो घुटनों को ऊपर कीजिए। यस ऊपर कीजिए और फिर घुटनों को पीछे लगाइए, सीट को लगाइए, टच कीजिए सीट को, फिर झटका देके पैर को चक्र कीजिए। पैर का चक्र करना है, पैर का चक्र करना है, पैर का चक्र करना है। ये पैर का चक्र होने के बाद घुटनों को हाथ रखिए और मोड़िए, सीधा करिए, मोड़िए, घुटने के दर्द नहीं आएंगे। घुटने को चक्र कीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 5 मिनट का हमारा पूर्वाभ्यास हो गया, योगी क्रियाएं हो गई, वार्म अप हो गए। कितना सुंदर, बैठिए रेस्ट करेंगे। और टाइम रहा तो कौन सा करना है आपको पता है? यस बैठिए रेस्ट करेंगे, रेस्ट। वाओ बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम कर लीजिए। हाँ ये लास्ट वाली सुचिता जी कर रहे हैं और मनोज जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सुचिता जी और मनोज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यस स्पॉटलाइट, यस आनंद भाई जी मनोज को स्पॉटलाइट कीजिए। सुचिता को उनकी पोती बहुत सुंदर कर रही है, वाओ देखिए सुचिता जी को देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। यस अपने तक करना है, वाओ 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 वाओ, वेरी गुड यस। चलिए बैठिए, यस 5 मिनट का हो गया, चलिए 5 मिनट करेंगे, हो गया 5 मिनट पूरक व्यायाम, 5 मिनट हो गए। आज सूर्य नमस्कार ले या फिर वापस एक बार केवल सूर्य नमस्कार पे ही प्रोजेक्ट करें, क्या सोच रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है एक बार अपन वापस सूर्य नमस्कार पे पूरा प्रोजेक्ट ही लेंगे, क्योंकि अभी मैं बताने लगूंगी तो मेरा तो 10 कब बजाएंगे पता नहीं, क्योंकि सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आनंद भाई जी से अपन वापस करेंगे कि एक बार केवल सूर्य नमस्कार करेंगे। तो चलिए अब क्या करना है, विपरीत करने के पेट के बल पे 4 आसन। देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ कि ये करना ही चाहिए, क्योंकि हम आगे आगे झुकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सब क्या आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस और हमारे रीढ़ की हड्डी में आते हैं। लोगों को कई बार क्या होता है, स्लिप डिस्क हो जाती है, कई गैप बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कम गैप होना बढ़ना, इससे पीठ के दर्द सबको होते हैं। तो पीठ के दर्द ना होने चाहिए तो हमें भुजंगासन करना है। पर एक प्रश्न पूछना है आपको, भुजंगासन में मैंने आपको एक प्रकार उस दिन सब प्रकार दिखाए पर एक प्रकार नहीं दिखाया जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ था। किसको याद है कि मैंने कौन सा प्रकार नहीं सिखाया? चलिए बताइए, मुझे पता है आपको याद नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। चलिए पीछे मुड़ के देखने का, पैर को देखने का। संगीता जी के लिए वाओ, मैंने सोचा ही नहीं संगीता जी आएगा, वेरी गुड संगीता जी के लिए, वाओ वाह वाओ वाह वाओ वाह। चलिए पेट के बल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले हाथ आगे कीजिए और दोनों हाथ के तलवे में अपने टुड्डी रखिए, दोनों पैर जुड़े हुए हैं और इस हाथ को आगे आगे लेते जाइए। जितना आगे ले जाएंगे गर्दन दबती जाएगी, गर्दन को दबाइए और हमारा विशुद्ध केंद्र थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों ग्रंथि खींच रही है, इससे हमारे गले के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स नहीं आए, बहुत अच्छा। फिर हाथ को धीरे धीरे पीछे लाइए, पीछे पीछे पीछे, एकदम हमको बॉडी को हाथ टच करने इतना। तो अब इसमें देखिए अपने कमर के नीचे तनाव आ रहे, कमर के नीचे तनाव आ रहे, तनाव खत्म हो गया है और हमारा तनाव कहाँ आया है, नीचे आ गया। अब हाथ को, दोनों हाथ को मोड़िए, घड़ी कर दीजिए, हाथ की घड़ी कर दीजिए, यस, और फिर गर्दन को पीछे कर दीजिए। मैं अभी कम दिखा रही हूँ, इतना ही करेंगे हम, और फिर ऊपर कर दीजिए पूर्ण सरल हस्त भुजंगासन। ये जो संगीता ने बताया, पीछे नहीं देखा था उस दिन हमने, ऐसे पीछे देखना है, पैर को देखना है, दोनों पैर जुड़े हुए है कि नहीं, दोनों तरफ से बुढ़े हुए थे, और फिर थोड़ा आधा अर्ध भुजंगासन करना है, यस। और इसमें भी हमको टाइम हो तब ज्यादा से ज्यादा रखना है, ठीक है। अब धीरे से टुड्डी नीचे, हाथ बाजू में,
ये विपरीत शयन स्थिति हो गई। अब हमें करना है शलभासन। शलभासन में क्या करेंगे, हम दोनों पैर ऊपर जाएंगे, हमारे दोनों पैर को ऊपर लेना है। देखिए दोनों पैर ऊपर, घुटने बिना मोड़े, जितने ऊपर जा सके उतने, और घर में देखना है कितने सेकंड रुक सकते, कम से कम 30 सेकंड रुकना है, और अनुभव करना है इसका तनाव कहाँ आता है, पेट, यकृत, प्लीहा, पैर के ऊपर, कमर, कमर में कम आता है, ज्यादा तो पूरा आगे का तनाव है, और पैर तनाव में आ रहे हैं तो पैर के दर्द भी कम होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने भुजंगासन किया था तो पीठ में तनाव आया था, थाइमस ग्रंथि पे तनाव आया था हमारे उस पे। अब हम धनुरासन करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, भुजंगासन और शलभासन का कॉम्बिनेशन। दोनों पैर मोड़े, उसके एड़ी को पकड़े और दोनों पैर को ऊपर करना है और आकाश की तरफ देखो। पहले हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि वगैरह ऊपर, थायमस सब उल्टे अपन आकाश की तरफ देख रहे हैं आंखों को, फिर हमारी थायराइड पैराथायराइड, फिर छाती पर थायमस ग्रंथि पर, और हल्का सा स्लाइट परिणाम तो एड्रिनल और गोनाड पे भी आ रहा है। इससे बहुत कुछ होता है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर क्योंकि दब गई है और पेट नीचे विस्तृत हो गया है तो हमें पेट के दर्द, पीठ के दर्द कम होते हैं, पैर के दर्द कम होते हैं। वाओ, इसमें बहुत सारे वेरिएशन से हम इतने नहीं करेंगे। तो ये तीसरा आसन हो गया, धीरे से पैर नीचे, हाथ जगह पे। ये आसन ज्यादा नहीं होते, 30-30 सेकंड होते, इसलिए 5 सेकंड में तो, 5 मिनट में तो बहुत होते हैं। अब करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए तैयार, दोनों पैर, दोनों हाथ सामने जुड़ने हैं, नमस्कार स्थिति में जोड़ने हैं। वो नौका का आगे का पॉइंट होगा और दोनों पैर पीछे, और दोनों पैर और हाथ उठाएंगे। इसमें हाथ के लिए भी बहुत अच्छा है, हाथ को तनाव आते, पूरे हाथ खींचने, कंधे को भी तनाव आ रहा है, पेट, पीठ, पैर, सब पेट के बल पे है ये सब। बहुत अच्छा तनाव, छोड़ दीजिए और तुरंत मकरासन कीजिए। श्वास की गति बढ़ी है मकरासन में, दोनों पैर की एरिया अंदर, अंगुलियां बाहर, दोनों हाथ सामने और मस्तिष्क हाथ के अंदर, लेफ्ट राइट जहां कंफर्टेबल लगे वहां करना है। आराम से करिए, श्वास तेज हो गई है, श्वास को मंद करना है। देखिए इसमें मकरासन यानी शवासन जैसा हो रहा है, श्रम जाते शवासन में, देखो मकरासन से भी सारे श्रम निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद भाई जी कितना टाइम बाकी है? 4 मिनट हो गए। चलिए अब 1 मिनट के लिए हम भुजंगासन रखेंगे। चलिए सभी भुजंगासन के लिए तैयार, सरल हस्त भुजंगासन करेंगे और कौन 1 मिनट तक रखता है देखेंगे। आनंद भाई जी 5 मिनट बोलेंगे तब हम स्टॉप करेंगे, तब तक रख सकेंगे उतने रखेंगे, बाकी लोग तकलीफ होते ही छोड़े, अपनी मर्यादा से ज्यादा ना करे। पेट में प्रॉब्लम हो, पीठ में प्रॉब्लम हो तो ना करे, नॉर्मल पब्लिक करे, नॉर्मल पब्लिक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए कि बहुत सुंदर कर रहे हैं, तीनों के तीनों और दोनों के दोनों। वाओ, ये 3-2 और मनोज भैया 1, मस्त लग रहे हैं सभी के सभी, बहुत सुंदर, सबको हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। मिद्रा जी क्यों नहीं कर रहे मुझे पता नहीं है, सर जी, मदन संगीता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी गार्डन किया है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, लेटने वाले। ओके ओके, कोई बात नहीं है, 5 मिनट हो गए जी। हाँ हो गए 5 मिनट, तो आसन छोड़ दीजिए आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पर कुछ लोग कर नहीं रहे, वीडियो भी नहीं दिख रहे। तो मैं अभी सबको गैलरी पे ले रहा हूँ, अपने अपने सब वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं गैलरी पे ले रहा हूँ सबको एक बार सबके वीडियो। यस, चलिए तो ये कितने मिनट का देखा हमने सबने, 5 मिनट का देखा, कैसे लगा सबको 5 मिनट का, ये मजा आया? ये सबको बात करनी है अभी, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। वाओ, गुड जॉब, गुड जॉब। ये दीपिका जी, सुधा जी भंसाली, खोल दीजिए वीडियो, खोल दीजिए अपना चेहरा, रिफ्रेश हो गए। सोनल परीख, बहुत अच्छा लगेगा, बता दिया, अभी भी हमारे पास कम टाइम रहेगा जब ये एक्सेस कर पाएंगे हम।
अब हमारा माइंड सेट हो गया पूरे 5 मिनट कौन से करने चाहिए। अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, हम पूरे इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप तीसरा पॉइंट में बताती हूँ, हम नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे। 5 मिनट में क्या करना है उस सिलेक्शन के लिए, खुद को ऑब्जर्व करना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे मुझे पीठ की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, मेरे पे एक बार मन का सरक गया है तो मुझे ज्यादा आगे नहीं झुकना है। आपको याद है मैंने पाद हस्तासन 5 मिनट किया था तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क है। तो मुझे क्या करना है, तो मेरे पेट कम करना है, मेरी सीट कम करनी है, मेरा वजन कम करना है। तो पहले अपने आप को जज कीजिए कि मुझे क्या करना है, और वो जो करना है वो आप अपना ऑब्जर्वेशन नोटबुक के लिखिए, और फिर उसके लिए क्या करना है वो 5 मिनट का सिलेक्शन कीजिए। पर ये पहले 5 मिनट का जो मैंने भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन और नौकासन, ये तो सबको बहुत जरूरी है, वो तो हर एक को करनी चाहिए क्योंकि हम दिन भर आगे जुटते। चलिए आप, आपके कुछ प्रश्न हो तो बात कीजिए, सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मंजू जी को बोलूंगी कि उसका जो पोता जुड़ा है, बेटा जुड़ा है, और फिर सुचिता जी की पोती, ये दो बात करेंगे कि आज कैसे लगा। बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। तो मजा आया आप लोगों को? ओके, अभी एक एक बात करेंगे। पहले अभी मंजू जी के पोते को करने दीजिए और फिर सुचिता जी की दो पोती बोलेगी। चलिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम योगेश जैन है। योगेश जैन, देखिए हमारे किड्स के दो स्मार्ट बॉय यहाँ, एक लड़की और एक लड़का, दोनों स्मार्ट आए हैं, तो ये आज के स्टार हो गए हमारे, आज के स्टार। पहले हमारे योगेश के लिए कीजिए वाह 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 वाह। बच्चों की क्लास में भी मेरे ख्याल से दोनों थे। हाँ, और है ना, और इनको भी क्लास लेने के लिए बच्चों के क्लास। चलिए, और मैं आपको एक टारगेट देती हूँ दोनों को, योगेश और सुचिता जी की पोती का नाम क्या है? मेहिका। तो आप दोनों 5 मिनट का अपना क्लास तैयार कीजिए, नेक्स्ट शनिवार में 5-5 मिनट दोनों क्लास लेंगे। योगेश क्लास लेगा 5 मिनट की? चलो 5 मिनट, तो आनंद भाई जी हम सेटिंग करेंगे तो 10 मिनट इनको देंगे, बराबर? राइट, चलिए, गुड जॉब। वो तुमको जो पसंद, तुमको जो पसंद है वो अपने लिए चॉइस करो। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा। सुचिता जी आप उसको सिखाइए जो अच्छा लगता है, बच्चों के लिए क्या जरूरी है तुमको लगता है, तो वो करा दीजिए। ठीक है, आप कोई प्रश्न हो तो पूछिए, किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, बात कीजिए। आप अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुझे पूछना था अलका जी कि हम लोग, आप लोग, आपने बोला कि अपना सूर्य नमस्कार के बाद ये आसन करना है तो आगे झुकने के ही होते हैं ना? हाँ, सूर्य नमस्कार में तो होते हैं, परंतु अभी चेयर सूर्य नमस्कार भी आए हैं, तो जिनको प्रॉब्लम होती है वो चेयर बैठ के करेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, और जो सूर्य नमस्कार में आगे का है पाद हस्तासन, वो हल्का सा करने का, करके तुरंत अगले स्टेप्स ले लेने के, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देने का, उसको करते टाइम जस्ट टच करके आगे जाना है। ठीक है, चलिए और बोलिए। हाँ मनोज, बहुत अच्छा लगा, बहुत 5 मिनट के होगा, मैं 5 मिनट में क्या करते, बहुत बढ़िया, क्या क्या करना है मेरे, बिल्कुल 5 मिनट के लिए हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम का एक क्लास हमारा पूरा केवल सूर्य नमस्कार पे, डीप में जाएंगे हम सूर्य नमस्कार के, और आप सब लोग भी डीप में जाइए, तो 5-5 मिनट आप लोग भी बोलिए सूर्य नमस्कार पे, सब मिलके बोलेंगे, सर्च कीजिए, और जो बातें बाकी रहेंगे वो मैं बताऊंगी। एक एक पोज हम व्यवस्थित देखेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, चाहे तो आपको भेज भी देती हूँ मैं, आनंद भाई जी को भी पता है, प्रणाम आसन है। दूसरा है वो पीछे जाना है और पूरा पेट को, हाथ को, गर्दन को, सबको तनाव देना है, हस्तोतानासन, हस्तोतानासन। तीसरा है पाद हस्तासन, देखिए आनंद भाई जी एक एक शेयर कर, ये देखिए पहला ये प्रणाम आसन, तो केवल नमस्कार में खड़े होने का और मंत्र बोलने का, राइट, मंत्र बोलेंगे टाइप, मंत्र भी सेंड करती हूँ सबको कंठस्थ करने हैं ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। सेकंड पोजीशन दिखाइए हस्त तानासन, तो दूसरा आसन करेंगे, उसमें पूरा हाथ का तनाव आएगा, गर्दन पीछे रहेगी, देखिए छोड़ देना है, पीठ को छोड़ देना है, गर्दन को छोड़ देना है, वेरी गुड।
तीसरा आसन पाद हस्तासन, दोनों हाथ पैर हाथ जमीन पे टच होने चाहिए और माथा घुटने को टच होना चाहिए। तो हम तीसरा प्रकार देखिए, आनंद भाई जी दिखाइए तीसरा पाद हस्तासन, इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। देखिए माथा कहाँ लगा है इसका, एकदम मस्तिष्क नाक घुटने के अंदर गया है। हाथ देखिए कितना सुंदर है, ये पाद हस्तासन बहुत फायदा देता है जिनको कमर के प्रॉब्लम है उनको। चार, ये अश्व संचालन, एक पैर पीछे लेना है। और सुचिता जी शायद आपका घुटना जमीन पे नहीं था या मनोज का घुटना जमीन पे नहीं था, वो घुटना पीछे का जमीन पे टच होना चाहिए। तो देखिए एक बार दिखाइए अश्व संचालासन, देखिए इसमें मनोज इसका भी आपका परफेक्ट नहीं है तो ये थोड़ा आप परफेक्ट कीजिए। नीचे का घुटना लगना चाहिए और हमारा पूरा पीठ पूरा करवाना चाहिए, ठीक है। अभी ये लास्ट, ये जो आगे की पोजीशन है तड़ागासन, ये सबकी गलत है। ताड़ तिरपी अवस्था, एकदम लकड़ी जैसी अवस्था। हाँ देखिए इसमें केवल दो हाथ और दो पैर के अंगुलियां रहेगी, पूरा शरीर हाथ पर वजन और पैर पे, ये बहुत उपयुक्त है, बहुत फायदेमंद। कई सूर्य नमस्कार वाले ये आसन के स्टेप नहीं लेते हैं परंतु मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हर एक की पद्धति अलग है, देखो सूर्य नमस्कार बहुत अलग अलग पद्धति से किए जाते हैं परंतु ये बहुत मुझे मान्य अच्छी लगती है। चलिए उसके बाद में दिखाइए अष्ट अष्टांगासन, इसमें आठ अंग जमीन पे लग रहे हैं। अंगासन में आठ अंग पीछे पाए, दोनों उंगलियां होगी तो दो पैर हो गए, देखिए दो घुटने हो गए और उसके बाद पेट को ऊपर उठाना है, ये भी आपका परफेक्ट नहीं था। हाथ दो रहेंगे तो ये चार और मस्तिष्क लगेगा, तो छाती और मस्तिष्क ये दो गए, दो हाथ छह और आठ, ठीक है। और इसके बाद चलिए आगे का दिखाइए आनंद भाई जी, भुजंगासन। हाँ भुजंगासन है, वो मैंने सीरियल ही भेजे वैसे आपको। चलो भुजंगासन तो सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार हल्का सा देख लीजिए। भुजंगासन सबको पता है परंतु देखिए अपने भुजंगासन में और इसमें ये फर्क है कि अपने भुजंगासन में अंगुलियां सीधी होती है और सूर्य नमस्कार में अंगुलियों पे भुजंगासन करते हैं, ये फर्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे का आसन अर्ध चक्रासन, वो पूरा चक्र होना चाहिए व्यवस्थित पूरा और गर्दन अंदर करनी है, ये टूटी जालंधर बंद बनता है इसमें। चलिए आगे का दिखाइए आनंद, ये आपको सब हाँ ये देखिए पर्वतासन, ये देखिए ये पूरा अंदर गर्दन खींचना है जितनी खींच सके उतने और कमर कितनी ऊंची होते उतनी पूरा मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे का अश्व संचालासन, वापस रिपीट हो गए तीन आसन, इसमें पहला पैर कह रहा था उसके उल्टा पैर अपन आगे करेंगे। चलिए दूसरा पैर देख लीजिए, दूसरा पैर देख लीजिए फटाक के करके फिर नेक्स्ट कर दीजिए आनंद भाई जी, अभी फटाफट दिखाएंगे क्योंकि रिपीट है सारे। चलो सेम टाइम पे हमने खत्म किया बराबर, पर इसमें पोजीशन आपके घुटना टिकता नहीं है लोगों का और आगे का घुटना मनोज जी का बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है, वो छाती को टच होना चाहिए, ठीक है। अब वापस पाद हस्तासन आएगा, वापस तीन, मैं रिपीट नहीं करती हूँ छोड़ दीजिए, तो वापस रिपीट है तो आपको इतना परफेक्शन करना है। मैं आपको ये सारे पोस्टर्स भेज देती हूँ और आपने वीडियो भेजा है उसमें भी बहुत क्लियर और सुंदर दिखाया हुआ है, तो वीडियो और पोस्टर दोनों को देख के हमको परफेक्ट योगा करना है सूर्य नमस्कार, ठीक है। चलिए एग्जैक्टली 10 बजे और हमारा प्रॉपर टाइम में प्रॉपर प्रोग्राम हो गया। यस यस वेरी गुड वेरी ये वाव 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 वाव। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा। और रविवार का दिवस दिन होते ही छोटे बच्चे आलस करते हैं, खेलते हैं, परंतु दो प्यारे प्यारे बच्चे आए उनको आज का स्टार बना देते हैं हम, तो चलिए स्टार के लिए एक बार वाह वाह कर दीजिए, सब करेंगे दो स्टार के लिए वाह वाह वाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्टार को मोस्ट वेलकम कीजिए, स्टार को मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटू, दोनों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आनंद भाई जी आपको कुछ बात करनी है तो। बहुत ही सुंदर तरीके से अलका जी आपने आज का संडे तो बिल्कुल हमारा संडे जो था बिल्कुल उसको इतना शानदार बना दिया, पूरी एनर्जी भर दी शरीर में आज, सही में सोचा नहीं था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब आपके आभारी है, हम सब आपके आभारी है। और मुझे आज की क्लास लेने की प्रेरणा मिली सुचिता जी और मनोज जी, दोनों ने वीडियो बनाए शनिवार की क्लास खुद की और हमें भेजे। ऐसी इस तरह सामने का रिस्पांस होता है तो करने में भी बहुत मजा आता है। और मैं गत करते हुए प्रार्थना की ओर चलिए आनंद भाई जी। जी सभी तैयार हो जाए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ जोड़िए, आंखें कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।